लेकिन निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पा रहे। और जब तक हम जाजम कर से उठते उठने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो उस मीटिंग को मैं सफल मीटिंग नहीं मानता। हम लोग अपने पुरखों की बहुत बातें करते हैं, हम लोग ये कहते हैं हम शूरवीर हैं, हम लोग कहते हैं हम दानवीर हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पतन में जो सबसे बड़ी कमजोरी हमें आई है कि हम समस्याओं से भागते हैं। बस किसी जमाने में आदमी का अंतिम जो क्षण होता है वो मौत होता है, और हम मौत से टकराते थे किसी जमाने में, और आज हम उससे दूर भाग रहे हैं और मौत हमारे पीछे पीछे है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सोचें कि हम मौत से बच जाएंगे? आज हम बहुत यात्रा की भी बात कर रहे हैं, हम आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं, सभी चीजें इस बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी पतन में पांच चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हुई है, और वो ऐसा है कि अपने शरीर में पांच गोलियां लग गई और हम यात्रा करके एक टांका लगा रहे हैं लेकिन चार तरफ से तो खून निकल रहा है। एपेक्स बॉडी बढ़ाने की महाराज साहब ने जो हमको कहा है वो हमको करना है, लेकिन एपेक्स बॉडी क्या केवल यात्रा निकालने के लिए होगी क्या? हमारा पतन कई कारणों से, और एक सबसे बड़ा कारण है आर्थिक पतन। हम जो यहाँ बैठे हैं वो 10% लोग ही हैं जो खाना जुटा रहे हैं। हम गांवों में ऐसी जगह पर गया हूँ मैं जहाँ राजपूत समाज की स्त्रियां तगरियां डाल रही, तगारी सर पे डाल लेके नरेगा में काम कर रही। हमारे समाज के बच्चे होटलों में बर्तन धो रहे हैं अहमदाबाद में, तो यात्रा से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको किस तरह से हम सुदृढ़ करें, उन परिवारों को कैसे ऊपर लिफ्ट करें, यह हमारे मिशन का एक काम हो सकता है। दूसरा पतन हमारी संस्कृति है। आज आप किसी बच्चे को पूछ लो तेरे दादा बा का क्या नाम है तो उनको पता नहीं होगा कि मेरे दादा बा का क्या नाम। आज आप बच्चे को पूछ लो कि तुम्हारी संस्कृति क्या है तो उसको नहीं पता है। कहां हो जय एकलिंगनाथ जी गए, कहां जय माता जी की गई? आज खमागिनी तो छोड़ो, नमस्कार पे आ गए हम। मैं गांव में जाता हूं कई जगह तो आके मुझसे कहते हैं नमस्कार रुको, तो मैं कहता हूं तुम ही नमस्कार करोगे तो फिर तो मैं डूब मरूं यार। ऐसी परिस्थिति आने के पीछे बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन क्या ये मिशन हमारी संस्कृति वापस लौटे, हमारे परिवार के बच्चे जाने कि हमारी संस्कृति क्या थी और हम क्या हो गए और हम कैसे सुधार करें, क्या ये मिशन ये भी सोचेगी? हमारे ऊपर चौतरफे हमले हो रहे हैं, मीडिया में, नेट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में, फिल्मों में, क्या हमारी ऐसी कोई एजेंसी है जो इसका लाजवाब जवाब दे सके वापस? क्योंकि जब बच्चा देखता है और किसी चीज की बुराई सुनता है तो लगता है यार कुछ ना कुछ हम में कमी है। आज हमारे बच्चे भी कई बार सोचते हैं यार हमारे पूर्वज तो होंगे यार, कोई ना कोई तो दारू पी के किया होगा नाटक यार, बाकी लोग समाज में सकते उनको पता नहीं है। आज महाराज शक्ति सिंह जी के लिए कहते थे ना लोग ये देशद्रोही थे, प्रताप से लड़के चले गए। क्या प्रताप से लड़ते मानसिंह के पास गए? आज भी आपको पता नहीं है उनके दामाद थे पृथ्वीराज जी बीकानेर, अपने भाई से नहीं बनी तो पृथ्वीराज जी के पास चले जो किरण कुमारी थे, किरण कुमारी के पिता थे महाराज शक्ति सिंह, और किरण कुमार के पास चले गए। और जब वो सब पूरा लवाजमा यहाँ आया तो वो भी हल्दी घाटी में साथ आ गए और फिर भाई के समय पे उचित समय पर काम आए। तो ये अपभ्रंश और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने महाराजा साहब ने मेरे को एक दिन भाषण में मैंने सुना, भामाशाह का मैं भी बड़ा फैन हो गया था कई जमाने से, कि भामाशाह ने मेवाड़ को बचाया, खूब सारा धन ला के दिया। जब आपसे पता चला कि धन अपना ही था मेवाड़ का,
उनको लाने के लिए भेजा, वो लेके आए और उन्होंने बाबा क्या बन गए, दानवीर हो गए। हम सुनते हैं कि अरे घास रे रोटी जब बन मिला उड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरियो कूक पड़े। अब नान्यो सो अमरो तो मतलब 2-3 साल का हुआ, लेकिन महाराणा अमर सिंह जी जब कुंवर पदे थे वो 18 साल के थे जब ये घटना हुई, और करण सिंह जी पैदा हुए, और करण सिंह जी पैदा होने वाले थे उनके, तो उस समय नान्यो सो अमरो नहीं बड़ो सो अमरियो तो ना लार आता तो नार को फाड़ देता, वो कहा बन मिलाव लेके रोटी चला गया। सब लेकिन जान पूछ कर ये इतिहास ऐसा बनाया गया ताकि हम अपने आप को महसूस करें कि हमारी हमें कमजोरी आ गई थी, महाराणा प्रताप में भी कमजोरी आ गई। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र अलग अलग तरह के। मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले जब जयपुर महाराज का 18वां दिन मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया था, उस समय सभी वहां के जागीरदार इकट्ठे हुए थे, उनको नजराना वगैरह किया था। एक कोई भार्गव लेडी है जिसने एक कमेंट किया कि क्षत्रियों के राज खत्म हो गए और स्पाइनलेस है, मतलब बगैर हड्डी के लोग हैं ये, और वो मीडिया में काफी देर तक चला। एक क्षत्रानी ने उसका ऐसा जोरदार जवाब दिया, मैंने कल फेसबुक पे अपने इस व्हाट्सएप पे डाला था, गजेंद्र सिंह जी खीमसर अपने मंत्री है, उनकी सुपुत्री है वो, जिसने इतना जोरदार जवाब दिया उस बात का, तो हमको मीडिया में भी अपने ऐसे लोग बिठाने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी कैसे आए, ऐसे ही थोड़ी आ गए, मीडिया की पूरी प्लानिंग से आए हैं, रेगुलर कैंपेन चले, मोदी 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 ऐसे ही नहीं हो गया। तो उसको जवाब देने की भी हमको मिशन की आवश्यकता, हमको वो विचार जो है हमारे वो मीडिया में जाने चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाने चाहिए, और हम लोग ले दे करके राजनीतिक पार्टियों की बदनामी करते हैं। हम कहते हैं ये पार्टी ठीक नहीं, वो पार्टी ठीक नहीं, पार्टियां तो मैं कहता हूँ कोई भी ठीक नहीं है, सारी एक जैसी, लेकिन हमारे वो लोग भी ठीक नहीं है जो पार्टी के पीछे पिछले गुलक होके पड़ जाते हैं। अंधभक्त, अंधभक्त तो होने की जरूरत नहीं, हम कहीं भी हैं, कोई किसी पार्टी में है, लेकिन क्षत्रिय समाज का कभी काम आए तो हमको निकल के बाहर आना होगा और उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये अगर हमारे मन में है, किसी भी पार्टी में हो, अपना आदमी कोई भी है, और राजनीति में अभी राव साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे लोग राजनीति में जो ऊपर हैं वो डरते हैं कि कहीं क्षत्रिय आके मेरे रूम में नहीं बैठ जाए, मेरे ठप्पा नहीं लग जाए कि मैं क्षत्रिय समाज का काम कर रहा हूं। अरे भाई ये जो बात है ये उनको मन से निकालनी होगी, और वो तब निकलेगी जब उनको लगेगा कि मेरा क्षत्रिय समाज मेरा बॉयकॉट कर देगा अगर मैं ऐसा करता हूँ। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा हमारे समाज का अधिकारी हो चाहे हमारे समाज का नेता हो, उसको समाज के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा, और जरूरत होगी तब आगे आना पड़ेगा।